So what's up everybody, my name is Partha Lady and welcome back to my YouTube channel. I hope you all guys are fit and fine और मैं भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा और आपको कार भी दिख रही है और शायद आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी देख लिया होगा, आई बॉट अ कार लास्ट मंथ जो कि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ और प्रोबेबली इसको आने में एक और वीक लग जाएगा। तो प्रोबेबली आपको 18th of September को ये वीडियो मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि लास्ट वीडियो के बाद मैंने क्या किया और कैसे गाड़ी परचेज की। तो इस वीडियो में आपको सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। ओके सो गाइस, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं यहाँ पे क्लास 5 एडवांस का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ और मैं ड्राइविंग भी सीख रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा टेस्ट था क्लास 5 एडवांस का वो मैंने फेल कर दिया, बिकॉज जो मैंने गाड़ी थी वो सामने वाले के लेन में चला दी और डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो गया। दैट वॉज़ अ सिली मिस्टेक, बट लकीली उसके बाद मुझे जो क्लास 5 बेसिक की डेट है वो मिल गई। और आई वुड रिकमेंड कि आप भी क्लास 5 एडवांस के लिए टेस्ट ना दो अभी तो ही अच्छा है, क्योंकि 90% के चांसेस है आप फेल होंगे उसमें। तो आई वुड रिकमेंड कि क्लास 5 बेसिक का ही टेस्ट दो। तो मैंने वो टेस्ट दिया, पास हो गया और बैक ऑफ द माइंड मेरे चल ही रहा था कि मुझे कार लेनी थी। तो आई वॉज लिटल बिट कन्फ्यूज कि मैं नई कार लूँ, कोई डीलरशिप से 2-3 साल पुरानी कार लूँ या फाइनेंस करूँ, क्या करूँ। आफ्टर कलेक्टिंग सम इन्फॉर्मेशन आई वेंट ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस, जहाँ मुझे एक कार दिखी। मैंने बहुत सारी कार देखी थी, लेकिन सम रैंडम गाय अपलोडेड दिस कार एंड मैंने उससे कॉन्टेक्ट किया और गाड़ी देखने के लिए गए। दिस इज़ अ Chevrolet Malibu 2013 मॉडल और कुछ 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी घूमी है। तो आई थॉट कि और उसकी कंडीशन भी हमने देखा तो अच्छा ही था और जो बंदा था उसको मेंटेन अच्छा रखता था और खुद ही मैकेनिक था, तो सर्विसिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कार अच्छी लगी थी मुझे और मैं अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ भी गया था, तो सब चेक किया और कार की कंडीशन अच्छी लगने के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया था कि ये कार हम परचेस करेंगे। तो ही अपलोडेड अ प्राइस ऑफ 6500 एंड कुछ इसमें अभी भी खर्चा था, तो उसके बाद उसने फाइनल किया था $5000 में ये गाड़ी परचेस की है। तो आप देख सकते हैं कि अभी कार की कंडीशन कैसी है इन 1, 2 एंड 3। सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स लाइक फ्रॉम द आउटसाइड। अभी मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि अंदर से कार कैसे दिखती है। सो लेट्स गो विथ मी। ओके सो नाउ वी आर इनसाइड द कार एज यू कैन सी एंड दिस इज़ हाउ द कार लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। और एक एक करके मैं इसके सारे फीचर आपको दिखाता हूँ जल्दी से और फिर सिनेमेटिक शॉट्स में मैं अपनी कार आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू फील व्हेन यू सीट ऑन द ड्राइवर सीट। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ओरिएंटेशन है और इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आती, टर्न वगैरह लेने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हमने जो इंडिया में कार सीखी है वो हमेशा से राइट हैंड साइड रही है। हमारे लेफ्ट हार्ट में गियर रहता था और यहाँ पर राइट हार्ट में है। सो ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन कई टाइम पर आप शुरुआत में जब गाड़ी सीखने जाओगे तो कन्फ्यूजिंग लगेगा, डिफ़िकल्ट लगेगा। बट जैसे ही आप
गाड़ी चलाने लगोगे यहाँ पे तो देर इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। सो दिस इज अ डायलर, आप यहाँ पे स्पीडोमीटर देख सकते हो और यहाँ पे RPM देख सकते हो, फ्यूल देख सकते हो और देर इज अ लॉन्ग मेन्यू inside this one, so as you can see you can change all the thing here and you can see your car information here and abhi main aapko car ki dusri information bhi yahan pe dekh sakte ho, so this is a vehicle information menu jisme aapko tire pressure dikhega aur bhi kai sari cheez hai jo aap yahan pe dekh sakte ho, so this is a very good thing। ओके सो गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि मैंने कुछ सिनेमेटिक स्टाइल में अपनी कार दिखाने की कोशिश की है। सो इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ़ यू गाइस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लोग वीडियो देख देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप वो सब्सक्राइब वाला बटन है वो प्रेस कीजिएगा और ये वीडियो और ये चैनल आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। आप दिखा सकते हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट, कैनेडा और कहीं पर भी फॉरन में कैसे अपनी लाइफ बिता रहे हैं। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।